साथ डंपिंग शहर पर पालिका द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम योजाया। चीफ ऑफिसर ने गैरहाजिरी उड़ी ने आंखें वर्गी। डीसा पालिका द्वारा आज पालिका प्रमुख संगीताबेन प्रकाशभाई दवे अध्यक्ष स्थाने जूना डीसा डंपिंग साइट पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन कर पालिका चूंटाई सभ्य सहित भारतीय जनता पार्टी आगे महिलाओं मोटी संख्या में उपस्थित रही 50 जटा वृक्षों रोपण कर वृक्षों वो वरसाद लावो अभियान अंतर्गत पर्यावरण बचाओ अभियान में पालिका द्वारा अनेकवा डंपिंग साइट पर वृक्षारोपण कर लीधे डीसा पालिका डंपिंग साइट अत्यार लीली हरियाणी साइड बनी रही है। तरह आज पालिका द्वारा डंपिंग शाइड में वृक्षारोपण कार्यक्रम योजा परंतु पालिका चीफ ऑफिसर खुद गैरहाजर रहा जेने लई चीफ ऑफिसर की गैरहाजरी उड़ी ने आंखें वर्गी रही है। लोगों में चर्चा नो विषय बनो कि चीफ ऑफिसर ने पर्यावरण बचाव में रस नहीं के पालिकाना प्रमुख द्वारा करेल वृक्षारोपण कार्यक्रम नु आयोजन ए नाटक गणे छे तेवी चर्चा ए जोर पकड़ी छे। आज डंपिंग साइड पर वृक्षों वावानो कार्यक्रम हतो अने अत्यार सुधी अंदाजित 250 वृक्षों वावामां आव्या छे। अने डीसा नगरपालिका द्वारा एजेंसी ने 2.5 लाख टन धन कचरो निकाल करवानी व्यवस्था थी, एमांथी 2,40,000 कचरानो निकाल थई गयो छे। अने 1,500 चौरस फूटमां आपणे बगीचो लॉन वावानी अने झाड़ वावानी छे, अने बाकी जे कचरो हे एनो निकाल तरत तात्कालिक थई जशे। अने हवे पछी कोई कचरो भेगो न थाय ने तात्कालिक निकाल थाय ए आपणे जोशुं। अस्तु भारत माता की जय। आज रोज डीसा नगरपालिका द्वारा डंपिंग साइट पर वृक्षारोपणनो जे प्रोग्राम हतो तेनी अंदर अमे लोको प्रमुख बहनश्री अने पूनमबहनश्री बधा सर्वे हाजरी आपी अने त्यां जे આગળ પણ જે વૃક્ષો વાવેલા છે આજ સુધીમાં જે 250 વૃક્ષો વવાયા છે એ વૃક્ષોનું જે જતન થયું છે એનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું છે અને વારે ઘડીએ એ વૃક્ષોનું કેવું જતન થાય છે એનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવે છે। એ વૃક્ષો જે આપણા માટે શુદ્ધ હવા માટે જરૂરી છે અને વૃક્ષો વાવો અને પર્યાવરણ બચાવો એ સૂત્રને સાબિત કરવાનું જે અહીંના આપણે જે ચાર્જ સંભાળે છે દેવરામભાઈ છે નેહરુભાઈ છે આ લોકોએ એ વૃક્ષોનો જતનમાં એમની ટીમ દ્વારા ખૂબ સારું કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે જેનું નિરીક્ષણ આજ રોજ ડીસા નગરપાલિકાના પ્રમુખબેન દ્વારા પણ થયું છે અને અન્ય આવનાર સમયમાં પણ અહીંયા આગળ વૃક્ષો વધારેમાં વધારે વૃક્ષો વાવવાના અને અહીંયા ગાર્ડન સારું એવું બને ડમ્પિંગ સાઇડમાં કોઈ પણ આવે તો એક જોવાલાયક જગ્યા જેવું લાગે એવું કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે।